टेस्ला भारत आ रही है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। और ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दी। उनका कहना है कि ये कार अगले साल यानी कि 2021 में भारत में बिकने लगेगी। टेस्ला की कारें बैटरी पर चलती हैं, पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड हैं, इंटरनेट से लैस हैं। आइए बताते हैं आखिर इस कंपनी की कारों में और ऐसा क्या खास है जो दुनिया भर के देश उनके लिए बेसब्र रहते हैं। टेस्ला के नाम में ही सब कुछ रखा है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन ब्रांड्स की इस दुनिया में नाम का ही जलवा है। जैसे कारों में टेस्ला, मतलब अजब गजब अफलातून। टेस्ला का जैसा नाम वैसी ही अफलातून फिलॉसफी। कंपनी के फाउंडर्स मार्टिन एर्बनहार्ड, मार्क टरपेनिंग, एलन मस्क, यान राइट और जेबी स्ट्राउवेल ने कंपनी का नाम टेस्ला एक अफलातून साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर रखा। 1856 में पैदा हुए निकोला टेस्ला ने यूरोप में टेलीग्राफ ड्राफ्टर और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया। उसके बाद वे 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, वहाँ थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे। जी हाँ, वही एडिसन जिन्होंने बल्ब इजाद किया था। वे साथ काम जरूर करते थे, लेकिन उनमें विज्ञान को लेकर जमकर बहसबाजी और झड़पें भी होती रहती थी। ऐसी एक झड़प के दौरान टेस्ला अपनी जान देने पर उतारू हो गए। आज हम जो एसी करंट वाली बिजली इस्तेमाल करते हैं, एडिसन उसके बहुत कड़े विरोधी थे। एडिसन ने अमेरिका में एसी करंट के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। उनका कहना था एसी करंट खतरनाक है, इससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी ओर टेस्ला एसी करंट के बड़े समर्थक थे। एसी करंट के सस्ते होने की वजह से वे इसकी वकालत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने खुद को एसी करंट का 2.5 लाख वोल्ट का झटका लगाया और साबित किया कि एसी करंट सेफ है। टेस्ला और एडिसन की इस लड़ाई को 2019 की हॉलीवुड मूवी द करंट वॉर में खूबसूरती से दिखाया गया है। और ऐसे शुरू हुई टेस्ला कार कंपनी। खैर, दुनिया बदलने की इसी फिलॉसफी के साथ ही टेस्ला कंपनी की शुरुआत हो गई। सन 2003 में टेस्ला मोटर्स नाम की कंपनी बनी, इसे मार्टिन एर्बनहार्ड और मार्क टरपेनिंग ने बनाया। 2004 में इस कंपनी में एलन मस्क ने एक इन्वेस्टर के तौर पर एंट्री ली। इस वक्त तक कंपनी के 5 को-फाउंडर हो चुके थे, मार्टिन एर्बनहार्ड, मार्क टरपेनिंग, एलन मस्क, यान राइट और जेबी स्ट्राउवेल। कंपनी ने बैटरी से चलने वाली कार की घोषणा की, लेकिन उसे लेकर इंडस्ट्री में बहुत उत्साहजनक बातें नहीं हो रही थी। ऐसे माहौल में एलन मस्क ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर बागडोर संभाली। उन्होंने साल 2005 में टेस्ला के पहले मॉडल रोडस्टर पर काम तेज किया। कार तो बन रही थी, लेकिन कंपनी ने एक बात तय कर ली थी कि वह खुद को कार कंपनी नहीं कहलवाएंगे। टेस्ला एक टेक कंपनी बनी जो बैटरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कार बनाती थी। शुरुआत से ही फंडा क्लियर था, सिर्फ कार कंपनी बनकर नहीं रह जाना है। आइए अब चलते हैं टेस्ला कारों के सफर पर। टेस्ला रोडस्टर फर्स्ट जनरेशन बनाने वाले थे अमोल पालेकर, बन गई ऋतिक रोशन। एलन मस्क ने टेस्ला की पहली कार रोडस्टर को बनाने का जो कॉन्सेप्ट सोचा, वह बहुत बेसिक था। उनका कहना था, हम ऐसी साधारण कार बनाएंगे जो बैटरी पर चलेगी, आराम से कहीं भी चार्ज हो सकेगी और आम लोगों के लिए होगी। जैसे जैसे कार बनने लगी, उसमें नए फीचर्स और तकनीकी बदलाव आते रहे। जब ये 2006 में लॉन्च हुई तो पूरी तरह से एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार की शक्ल ले चुकी थी। कार की लॉन्चिंग बहुत धूमधाम से हुई। नई तकनीक को हाथों हाथ लेने वालों ने तो इसे लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन आम लोगों से ये कार दूर ही रही। साल 2008 में इसकी डिलीवरी शुरू हुई और 2012 तक टेस्ला ने 30 देशों में 2450 कारें बेची। ये ड्रीम स्टार्ट तो नहीं थी, लेकिन ब्रांड का नाम खूब हुआ। आइए एक नज़र टेस्ला रोडस्टर के फीचर्स पर डाल लेते हैं। एक चार्ज में 394 किलोमीटर का सफर, 201 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, कीमत तकरीबन 94 लाख रुपए। टेस्ला मॉडल एस और मॉडल एक्स, टेस्ला के करण अर्जुन। साल 2010 तक टेस्ला कंपनी ने टेक ब्रांड के तौर पर ऐसी धाक जमा ली कि पैसा लगाने वाले लाइन लगाने लगे थे। खुद अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने उन्हें $465 मिलियन का लोन दे दिया। इस पैसे से सबसे पहले कंपनी ने अपनी खुद की फैक्ट्री डाली। इस साल ही कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई और IPO लेकर आई। इस दौरान कंपनी ने मॉडल एस और मॉडल एक्स बनाना शुरू किया। ये कंपनी के दो लग्जरी मॉडल थे। साल 2012 में मॉडल एस लॉन्च हुआ और 2015 में SUV मॉडल एक्स। इसके जरिए कंपनी मार्केट के लग्जरी सेगमेंट पर कब्जा करने के इरादे से उतरी, और ऐसा हुआ भी। इन दोनों ही मॉडल्स ने धूम मचा दी। इन दोनों मॉडल्स के भी फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं। मॉडल एस, एक चार्ज पे 394 किलोमीटर का सफर, 390 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, कीमत 80 लाख रुपए। मॉडल एक्स,
मॉडल एक्स को उन यूजर्स के लिए बनाया गया जो दमदार और स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते थे। इस एसयूवी में बाज की तरह ऊपर की ओर खुलने वाले पिछले दो दरवाजों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। इसके फीचर्स हैं, एक चार्ज में 475 किलोमीटर का सफर, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए। मॉडल 3 और मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कारों के जयवीरू। टेस्ला ने 2016 तक आते आते हालत इतनी सुधार ली थी कि अपने सपने की कार को बनाना शुरू कर सके। आम लोगों के लिए एक बैटरी वाली कार बनाना इसलिए भी मुमकिन हो रहा था क्योंकि टेस्ला की फैक्ट्री अच्छी तरह चल निकली थी। इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी भी टेस्ला की फैक्ट्री में जम के बन रही थी। इससे कार की कीमत कम रखने में मदद मिल रही थी। कंपनी ने 2017 में मॉडल 3 और 2019 में मॉडल वाई लॉन्च किया। इन्हें आम यूथ को दिमाग में रखकर डिजाइन किया गया था। फिलहाल मार्केट में इन दोनों मॉडल्स का सबसे ज्यादा जलवा दिखता है। मॉडल 3, इस कार का जलवा ऐसा है कि मार्च 2020 तक इस कार ने दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार का दर्जा पा लिया। कंपनी अब तक इस मॉडल की 5 लाख कारें दुनिया भर में बेच चुकी है। एलन मस्क ने 2018 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वे टेस्ला के इस मॉडल को दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली फैमिली कार की तरह देखना चाहते हैं। उम्मीद की जा रही है भारत में टेस्ला सबसे पहले यही मॉडल लॉन्च करेगी। इसके फीचर्स हैं, एक चार्ज में 400 किलोमीटर का सफर, 260 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, कीमत लगभग 25 लाख रुपए। मॉडल वाई, ये टेस्ला का सबसे नया मॉडल है। ये लगभग मॉडल 3 से मिलती जुलती है, लेकिन बस इसमें शोले के वीरू के दिल की तरह जगह ज्यादा है। इसे मन मुताबिक 5 सीटर से 7 सीटर में भी तब्दील किया जा सकता है। ये टेस्ला मॉडल एक्स जैसी खूबी वाली छोटी कार भी कही जा सकती है। फीचर्स, एक चार्ज में 500 किलोमीटर का सफर, 249 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, कीमत लगभग 40 लाख रुपए। कुछ मुश्किलें भी राह में। ऐसा नहीं कि टेस्ला की कारें दुनिया में सभी का दिल जीतती रही हैं। कई देशों में कार की बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर शिकायतें भी आई हैं। कई बार कारों को रिकॉल भी किया गया है। ऐसे में टेस्ला कार की भारत की राह में कुछ बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो टेस्ला को भारत के कार मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप के मुकाबले भारत में व्हीकल चार्जिंग का नेटवर्क ना के बराबर है। इससे निपटना पहली चुनौती है। कारों की बनावट और मटेरियल यूरोपियन और अमेरिकी सहूलियत के हिसाब से रखा गया है। भारत में इसकी असली टेस्टिंग होगी। भारत के गर्म और धूल भरे मौसम को लिथियम आयन बैटरी और कार के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे किस हद तक बर्दाश्त कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। पावर सप्लाई को लेकर देश के हालात की वजह से एक शहर से दूसरे शहर का सफर करना मुश्किल भरा हो सकता है। टेस्ला कारों की कीमत भारत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। जहां भारत में एक ठीक ठाक कार की कीमत 5 लाख रुपए है, वहीं टेस्ला की शुरुआत ही 25 लाख रुपए से हो सकती है। ऐसे में इसका एक लग्जरी कार के तौर पर रह जाने का अंदेशा है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।